वेलकम बैक टू माई चैनल अडी विथ वैष्णवी। आज बहुत लेट हो चुका है मेरे को कॉलेज आने में, क्योंकि उठी लेट एज यूजुअल। बस नाश्ता करके निकल पी, वैसे ही आई होप बस मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, बस काजल लगाई हूँ, पोनीटेल बांधी हूँ, पर लगना चाहिए भाई, लंबे बाल हुए हैं इसलिए पोनीटेल बांधी है। देखते हैं कब तक पहुंचती हूँ कॉलेज। तो चलिए कॉलेज की तरह इजीली बस मिल गया था। जैसे मैं बस स्टैंड पहुँची, बस लगा हुआ था तो मैं चढ़ गई बस पे। अब रास्ते में हूँ, आज बहुत लेट हो गया है तो आई होप मेरे को वहाँ से बस इजीली मिल जाना चाहिए। देखते हैं। पहुँच चुकी हूँ कॉलेज एंड आज रश है क्योंकि आज इंटरवल का एग्जाम है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द इंटर पीपल हु आर राइटिंग द एग्जाम्स। एंड फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों खत्म हो चुका है कॉलेज एंड कल हम जा रहे हैं घूमने कॉलेज की तरफ से। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि कल हम लोग का 4 बजे तक पूरा एंजॉय होने वाला है। सो बस स्टैंड एंड वेटिंग फॉर द बस एज यूजुअली करती हूँ क्योंकि बस आने में टाइम लगता है एंड अब देखते हैं इंतज़ार कब तक रहता है। मुझे मिल चुका है बस टाइम पे। जैसे ही मैं आप लोग को बोली कि पता नहीं कितना देर होगा, तुरंत ही आ गया था बस।
तो मेरे को टेंशन नहीं है, मैं चल रही हूँ अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन पे वहाँ से, यहाँ से कॉलेज से वापस उसके मिलते हैं थोड़ी देर में। सेकेंड बस भी एंड मैं जा रही हूँ आज रानी के घर क्योंकि काम है एंड काम है बस कुछ काम है ज़्यादा है मेरे को भी नहीं मालूम क्या काम है। एंड अभी कल के लिए मैं प्लान कर रही थी चिप्स लेक जाना मगर अचानक आई रियलाइज कि चिप्स ज़रूरत नहीं है, सैंडविचेस लेके जाऊँगी क्योंकि सैंडविचेस बहुत दिन हो गए सैंडविचेस खाने खाए कि सैंडविचेस लेके जाती हूँ तो सब लोग इन्जॉय भी कर लेंगे। एंड अगर जैसे क्योंकि जब थिंग सेट हम लोग जाएंगे तो 1:30 लंच मिलेगा तो हम उसका तो क्यों करें, उससे अच्छा सैंडविचेस लेके जाएंगे, सैंडविचेस खा लेंगे जब पहुँचते ही मतलब 11:30-11 तक पहुँचेंगे तो तब खा लेंगे सैंडविचेस, फिर उसके बाद फिर वी कैन मूव आउट। तो कल शूट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मगर हाँ हम लोग मस्ती शूट करूँगी, सब कुछ शूट करूँगी। एंड अ स्मॉल नोट टू वन ऑफ माई फ्रेंड, विल मिस यू नीतू, प्लीज़ कम सून टू, मेरे को जाना ही नहीं था एक्चुअली, हम लोग का फर्स्ट ट्रिप हो जाता कॉलेज की तरफ से, मगर कोई नहीं आगे होगा तो पक्का साथ जाएंगे एंड अब देखते हैं आगे। अपना थोड़ा पता नहीं चली किस स्टोर में शॉपिंग करने हो गया है काम, अब नाना के घर जाना है तो वेट कर रही हूँ नाना जी के लिए। एंड सामान बहुत सारा है, एक आइटम बहुत है क्योंकि बहुत दिन हो गया आए क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था तो मैं ज़्यादा निकल नहीं रही थी तो भी चलो निकल के कर लेते काम क्योंकि मेरा भी खुद का काम है। तो चलिए आज का देखते हैं अभी है क्या, क्योंकि जाके पढ़ना भी है थोड़ा। तो हो गया है इसमें, अब जा रही हूँ दूसरे छोटे से काम पे, मैं नानी के घर आ गई थी, अब जा रही हूँ वॉकिंग करते हुए दूसरी जगह। चलिए
Fresh on the beat. दोस्तों मैं कर रही हूँ अपना काम कल के लिए, थोड़ा ग्राउंड वर्क करना ज़रूरी है तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई और आपको मिलती हूँ मैं कल। एंड लेट्स सी कल क्या होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं डैश 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 फैक्ट्री। फैक्ट्री तो बता दी, अब कौन सा फैक्ट्री आप सोचिए। एंड वेट करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का, जैसे ही मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा तब बताइएगा, तब पता चल जाएगा आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड थोड़ा ग्राउंड वर्क कर रही हूँ, तो मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय, शुभ केयर, लव यू ऑल एंड अच्छे काम करिए, खुशियाँ बांटिए, फिर मिलते हैं कल।